हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं ब्लॉग काफ़ी रात में ही स्टार्ट कर रही हूँ। रात के 10:30 बज रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल है ट्यूसडे, कल हम लोगों को निकलना है यहाँ से। तो मैं पैकिंग वैकिंग में बिजी थी, अभी पूरी पैकिंग हो नहीं पाई है ठीक से, अभी और आके करना है। तो आज मेरी कुक नहीं आई, यही तो है यार। उन लोगों को बता देती हूँ कि 2-4 दिन प्लीज़ आप लोग टाइम से आ जाइएगा, लेकिन आती ही नहीं है। मेरे यहाँ का यही हाल है कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है, ना तो मेरी हाउस हेल्पर आ रही है ना तो मेरी कुक आ रही है, लोग बिन बताए ही ऐसे ही गोला दे जाते हैं। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, अभी दीप आए हैं, 5 दीप अभी आए हैं, हाँ वही 9, 9:30 बज रहे हैं। तो दीप अभी आए हैं ऑफिस से, थोड़ा लेट हो गया आज उनको, 5 दिन की 6 दिन की छुट्टी लिए हैं तो ऑब्वियसली लेट तो होना ही था। अगर कहीं आना जाना होता है ना तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है। ये देखो मेरे बच्चे को आज मम्मा बाबू मैच मैच कर रहे हैं। सबको हाय बोलो, नहीं बोलना, सबसे गुस्सा हो, सब लाइक नहीं करते मम्मा की वीडियोज ना। बोल दो मम्मा की वीडियो लाइक करो तब हम आप सबसे बात करेंगे ना। तो हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ बिंदी लगा ली और एक लिपस्टिक लगा ली पिंक कलर की। इस टाइम पिंक कलर की लिपस्टिक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो इस टाइम मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगाना पसंद करती हूँ। थोड़ा सा नेचुरल लुक में आ जाता है ना पिंक कलर, लाइट पिंक। तो आप लोगों की मेरी आईज से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल गाँव जाना है, कहीं जाना आना होता है तो बस ऐसे ही इतनी ज़्यादा मतलब भागम दौड़ लगी रहती है जब कहीं आना जाना होता है, तो तबीयत ऑब्वियसली ख़राब होना ही होना है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ लेट नाइट का ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। क्या पता मैं वहाँ जाके ब्लॉग कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पता नहीं क्या कैसे क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर मेरा लिप सेट पसंद आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 250 रुपीज़ की या फिर 150 की है। किस ब्रांड की है मुझे याद नहीं, मिस रोज़ आई थिंक मिस रोज़ की है या स्विस ब्यूटी ऐसे ही कुछ की है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लाइट वेट है, लिप पे काफ़ी लाइट वेट है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा भी आपके लिप को ड्राई नहीं करती है, तो इसलिए इस लिपस्टिक को लगाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है इसे मैंने सीन से मंगाया था। चलो ना, चलो अब बाबू बोल रहा है मम्मा चलो, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। चलती हूँ डिनर करने, तो वहाँ आप लोगों से बात करूँगी, थोड़ा बहुत बात करूँगी ज़रूर। मैंने मेरा ईयरफोन लगा लिया, रख लिया है बैग में। वैसे दीप मना करते हैं बोलने से, तो ईयरफोन लगा के तो मैं बात कर ही सकती हूँ, धीरे धीरे बोलूँगी फिर भी आप लोगों को सुनाई देगा। तो चलो अब मिलती हूँ आपसे अपने डिनर, तो मिलती हूँ आपसे डिनर करते टाइम। बाबू को देखो ये पर्स उठा रहा है कि मम्मा चलो ना, मम्मा चलो ना। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद, ठीक है? इसको रख देते हैं। हाँ, सबको पहले एक बार फ्लाइंग किसी दे दो फिर चले, दे दो नहीं तो सब जाने नहीं देंगे, सब पकड़ के बैठे रहेंगे। फ्लाइंग किसी दे दो तो चले। मेरा बच्चा चुम्मी नहीं करना, क्यों नहीं करना? मुझे चुम्मी नहीं करेंगे। तो चलो गाइस मैं चलती हूँ। हाँ तो गाइज हम लोग आ गए हैं सीतापुर के चस्का रेस्टोरेंट में। यहाँ आते ही बाबू को गेंद चाहिए होती है, उसको कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पेप्सी पी रहा है, आप देख सकते हो कितने मज़े ले लेके पी रहा है। किसी को दे भी नहीं रहा था, मांगने पे बोलता था नहीं दूंगा नहीं दूंगा तो इंजॉय कर रहा है। दीप पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, आप देख के बताओ क्या ऑर्डर करना है। वही मैं देख रही हूँ, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं चस्का, सीतापुर के चस्का मार में। तो गाइज यहाँ पर थाल का सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर आपको सब कुछ अलग अलग से ऑर्डर करना होता है। तो हमने ऑर्डर किया है मटर पनीर, अरहर दाल, इसके बाद रायता, चावल, तंदूरी रोटी प्लस सैलेड। तो एक एक करके यहाँ पर आता है, तो अभी हम लोगों को सिर्फ दाल और सब्जी और रोटी मिला हुआ है, तो बाद में सारे एक एक करके मिलते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ से खा के चलेंगे। दीप के साथ ही मेरा लास्ट डिनर है, आखिरी डिनर है। अब मैं गाँव चली जाऊँगी, अब पता नहीं कब आऊँगी। वो ये मेरे ससुराल जाने या फिर मायके जाने से पहले का डिनर है, और अब आने के बाद ही हम लोग एक साथ डिनर करेंगे बाहर। ये देखो साहब जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? मुर्गा देख रहे हैं। नवेद को देख रहे हैं। तो गाइज अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, हमारी पैकिंग वैकिंग सब हो गई कम्प्लीटली, अभी हम फ्री हो गए हैं। मैंने मेरा मेकअप भी रिमूव कर लिया, आप देख सकते हो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है।
मेरे फेस पे आपको कोई भी ग्लो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा भागम भाग थी कि क्या बताऊँ। जब मैं मार्केट गई तो मुझे याद आया कि ओ मेरा तो स्लीपर टूट गया है। तो 10:30 बजे हम लोग गए स्लीपर लेने, दुकान बंद होने जा रही थी लेकिन पहुँच गए टाइमली, बंद नहीं हुआ, हम लोग लेके आए तो स्लीपर भी लिए, इसके बाद डिनर विनर करके आए। तो अभी जस्ट हम फ्री हुए हैं, आने के बाद मैं पैकेजिंग पे स्टार्ट हो गई, पैकिंग करना है तो सारी चीज़ें देखनी होती है। अपना छूट जाए तो ठीक है, कोई गम नहीं है, लेकिन एक बच्चा है वो कौन सा किसका पहनेगा, हम तो किसी का भी, अपनी जेठानी का या फिर किसी का भी पहन सकते हैं। मेरी जेठानी भी मेरी तरह ही पतली हैं तो मैं उनका भी साड़ी ब्लाउज पहन सकती हूँ, तो मुझे मेरा दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबू को दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए सारी चीज़ें ढूंढ के रखनी होती हैं। तो अभी रूम सेट करेंगे, इसके बाद हम लोग भी सो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, हद से ज़्यादा थक गए हैं गाइस। और मैं फ़ोन अपने हाथ में पकड़ी हूँ इसलिए मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरी सेल्फ़ी स्टिक बाबू ने तोड़ दी, घर जाते वक्त ले लेंगे सेल्फ़ी स्टिक भी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आई होप आपको मेरा छोटा सा चिट चैट टाइप का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ही एक्टिव रहूँगी, मैं डेली ब्लॉग करूँगी, मेरे ससुराल का, मायके का डेली ब्लॉग करूँगी, जब तक रहूँगी तब तक। प्रियादीप चैनल पर मेक श्योर नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर मेकअप ट्यूटोरियल प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि आना जाना टूट जाए रास्ते में तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेकअप मैं मेरे मायके में कैसे करती हूँ वो भी शेयर करूँगी, ससुराल में कैसे करती हूँ वो भी शेयर करूँगी, 2-3 दिन में एक वीडियो आ जाया करेगी, और अगर नहीं आ पाएगी तो मैं खुद ही आ जाऊँगी आप लोगों से मिलने, प्रियादीप चैनल पर लाइव आ जाया करूँगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। अगर वीडियो नहीं आएगा तो मैं आऊँगी लाइव, लेकिन आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।